तो ऐसी मूविंग डिस्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको PicsArt में जाना पड़ेगा। एडिट पे जाइए, वहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शन चूज़ करिए एंड आपको एक खाली बैकग्राउंड की ज़रूरत है, यानी कि एम्प्टी बैकग्राउंड की। सो एम्प्टी बैकग्राउंड लेने के बाद आपको जाना है स्टिकर में, वहाँ पे आपको सर्च करना है डिस्क। सो डिस्क सर्च करने के बाद वहाँ पे डिस्क के काफ़ी स्टिकर्स आ जाएंगे। सो वहाँ पे एक ऐसी डिस्क होगी, उसे सिलेक्ट कर लेना। सो अगर आपको ये डिस्क यहाँ पे नहीं मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रोम ब्राउज़र पे जाके सर्च कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी ऐसी डिस्क ले लो जिसका जो बीच वाला सर्कल है जो ब्लैक हो या वाइट हो, यानी कि लाइट कलर होना चाहिए, कोई ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए। सो अभी आपको वो पिक्चर सिलेक्ट करनी है जो आप चाहते हो कि डिस्क के ऊपर प्लेस करो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना वॉलपेपर ले लेता हूँ। अभी वॉलपेपर को लेने के बाद मैं जाऊँगा शेप्स में, शेप्स में सर्कल सिलेक्ट करके इस पिक्चर को सर्कल के टाइप में क्रॉप कर दूँगा। अभी देखो क्रॉप हो गया है। सो अभी मैं डिस्क के सर्कल के ऊपर इस पिक्चर को कर दूँगा एडजस्ट, फिर मैं जाऊँगा ब्लेंड में, ब्लेंड में जाके कर दूँगा डार्क। सो पिक्चर कुछ ऐसे ही हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये डिस्क के ऊपर ही छपी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डिस्क के बीच में एक पार्ट होता है जो खाली होता है वो अभी गायब हो गया है। सभी हमें उसे क्रिएट करना है। टिक लगाने के बाद अभी मैं जाऊंगा ड्रो में, ड्रो में एक ब्लैक सर्कल लूंगा एंड डिस्क के बीचों बीच एक गोल सर्कल जो है वो क्रिएट कर दूंगा। सो अभी मैं जाऊंगा लेयर में, लेयर में जाने के बाद मैं करूंगा लेयर को ब्लेंड इस वाले ऑप्शन के साथ। ध्यान से देख लो, ये वाले ऑप्शन के साथ मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। सो इससे ये होगा, हमने यहाँ पे ब्लैक सर्कल बनाया है वो जगह खाली हो जाएगी। सो हमारी डिस्क तैयार हो गई है, अभी टिक लगाओ एंड इस पिक्चर को सेव कर लो। सो अभी हमने इस पिक्चर को सेव कर लिया। अभी बात आती है कवर की। सो अभी कोई बैक बैक नहीं जाना है, बस वो अंडू कर दो, यानी कि पीछे आ जाओ। सो अंडू करने के बाद आप आ जाओगे उसी खाली एम्प्टी बैकग्राउंड पे जो हमने स्टार्टिंग में ली थी। सो अभी आपको वापस से स्टिकर में जाना है, फिर से टाइप करना है डिस्क। सो वहाँ पे आपको ऐसा एक कवर मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लो। नो डाउट अगर यहाँ पे ना मिले तो आप क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। सो अभी आपको बनाना है कवर। सो इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करो, जो पिक्चर आपने उस डिस्क के ऊपर लगाई थी वापस से वही ले लो एंड उसे क्रॉप करो ऐसा स्केयर में। सो स्केयर में क्रॉप करने के बाद उसे वहाँ पे प्लेस कर दो एंड यहाँ पे शेडो का एक ऑप्शन होगा, उसे ऑन कर लेना। इससे थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा, ऐसा लगेगा कि जो पीछे डिस्क चल रही है वो किसी वॉलपेपर के पीछे की तरफ चल रही है, ऐसा ना लगे कि कोई एडिटिंग वगैरह की हुई है। सो अभी आपको जाना है क्रॉप में। सो क्रॉप में जाने के बाद ये जो डिस्क का एरिया है ना उसे रिमूव करना है, यानी कि हमारा बस यही फ्रेम आना चाहिए, एक कवर आना चाहिए बस। सो इस हिसाब से इसे क्रॉप कर लेंगे। सो क्रॉप करने के बाद इसे भी कर दो सेव। सो दोनों डिस्क भी सेव हो गई एंड कवर भी सेव हो गया। सो अभी आता है हमारा मेन काम, हमें जाना है काइनमास्टर में। सो काइनमास्टर में जाने के बाद आप कोई भी बैकग्राउंड ले लो, कोई कलरफुल लेना है कलरफुल ले लो, कोई पिक्चर लगानी है आप लगा सकते हो। सो अभी आपको लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद आपको पहले तो वो डिस्क का कवर लेना है एंड देन डिस्क भी लेनी है। सो दोनों पिक्चर्स ऐसे आगे आ जाएंगी। सो आपको अभी इन दोनों को इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि ऐसा लगे कि हाफ डिस्क जो है वो कवर के अंदर है एंड हाफ डिस्क जो है वो कवर के बाहर है। कवर को थोड़ा सा स्लाइटली सा बड़ा रखना डिस्क के मुकाबले एंड डिस्क को स्लाइटली सा छोटा रखना। सो कुछ इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट को एक सेकंड आगे लेके जाना है। फिर से सुन लो, एक सेकंड आगे लेके जाना है एंड जो डिस्क की पिक्चर है आपको उसे सिलेक्ट करना है एंड की वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड अभी आपको करना ये है कि वो जो डिस्क है उसे ऊपर की तरफ घुमा दो, यानी कि ऐसा पूरा सर्कल 360 डिग्री में मत घुमा देना, बस 180 डिग्री में ऐसा ऊपर की तरफ घुमा दो। ठीक है, अभी घुमा दिया। सो अभी आपको लगा देनी है टिक। अभी अपने प्रोजेक्ट को 2 सेकंड के ऊपर लेके जाओ, 1 सेकंड और आगे लेके जाओ, यानी कि 2 सेकंड पे ले आओ। वापस से की के ऊपर दबाना है। की के ऊपर दबाने के बाद आपको जो बाकी की रोटेशन है डिस्क की वो कंप्लीट करनी है, मतलब पूरी मत करना, थोड़ी सी टेढ़ा रहने देना डिस्क को, क्योंकि अगर आप पूरा सीधा कर दोगे ना वापस से तो वो किसी दूसरी तरफ को घूमने लगेगी। अभी आपको जाना है 3 डॉट पे एंड ब्रिंग टू बैकवर्ड कर देना है, जिससे कि जो डिस्क है वो कवर के पीछे चली जाएगी। अभी 2 सेकंड के बाद का जो प्रोजेक्ट है हम उसका पार्ट जो है वो काट देंगे, बस ये प्रोजेक्ट 2 सेकंड ही चलना चाहिए। अगर हम इसे चलाएंगे ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी हम इसे हाई क्वालिटी में सेव कर लेते हैं।
हाई क्वालिटी में इसलिए क्योंकि थोड़ा बेटर लगना चाहिए, और ऊपर से वो है भी कितना, 2 सेकंड का तो है। अभी फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाओ और जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट की थी अभी उसे जितनी बार चाहे उतनी बार ले लो, मतलब आपकी वीडियो जितनी लंबी होनी चाहिए उतना लंबा उसे ले लो, एंड टिक लगाओ एंड चलाओ और कुछ ऐसा दिखेगा। बस आपकी डिस्क बन के तैयार है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो वीडियो को लाइक कर दो, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड अपने ओपिनियंस कमेंट में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।